हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रतीक आईआईटी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लाउड पैनल की ऑपरेटिंग। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी सारे टूल्स बताए थे, आज मैं आपको उनकी ऑपरेटिंग बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट्सएप में। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एड अकाउंट का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा क्यूआर कोड हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हम स्कैन करेंगे हमारे फोन से, तो ये हमारा फोन नंबर जो है वो स्कैन हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वापस से जाएंगे हम व्हाट्सएप में, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें दिख रहे हैं, रिपोर्ट, प्रोफाइल, बल्क मैसेजिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर, चैट बोर्ड, एक्सपोर्ट, पार्टिसिपेंट्स, एपीआई, बटन टेम्पलेट, लिस्ट, मैसेजिंग टेम्पलेट एंड कॉन्टैक्ट्स। तो सबसे पहले मैसेजिंग के लिए हमें चाहिए होंगे कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे लिस्ट ऑप्शन में कॉन्टैक्ट्स में, यहाँ हम एक कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप बना लेंगे। तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनेबल एंड डिसेबल, तो अकॉर्डिंगली हम उसे यूज करेंगे। तो फिलहाल मेरे को एक ग्रुप बनाना है, तो मैं ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करूंगी, डेमो सबमिट। तो ये ग्रुप हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। और हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो मैं इस नाम को एडिट कर सकती हूँ, इसमें नंबर्स पुट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है इम्पोर्ट का, और दूसरा है डिलीट। मुझे नंबर्स इम्पोर्ट करने हैं, इस पर क्लिक करूंगी, इम्पोर्ट पे जाएंगे। हम CSV फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ अगर हमारे पास नंबर्स ऑलरेडी हैं तो मैंने कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख करके रखे हुए थे, इन्हें मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दूंगी। तो ये हमने नंबर्स कॉपी पेस्ट कर दिए, इसे हम कर देंगे सबमिट। तो ये तीन नंबर्स हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरे ऑप्शन में जो कि है बल्क मैसेजिंग। बल्क मैसेजिंग में जाएंगे, अब हमें यहाँ पर मैसेज करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए आइए दिखाती हूँ आपको। इसके लिए हम जाएंगे न्यू कैंपेनिंग के ऊपर, ये ऐड के ऑप्शन पे। सबसे पहले हमें हमारी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए हमने दो नंबर अगर स्कैन किए हैं तो यहाँ पे वो हमें दोनों दिखेंगे, फिलहाल एक ही नंबर स्कैन है तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगी। कैंपेनिंग को एक नाम दूंगी मार्केटिंग, ये हमारे कस्टमर को शो नहीं होता है, ये हमारी नॉलेज के लिए रहता है। जितने भी हमने ग्रुप्स बनाए होंगे वो यहाँ पे हमें शो होंगे, अभी फिलहाल एक ही है तो उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं कोई भी मीडिया फाइल ले लूंगी जो कि मुझे अपलोड करनी है मेरे कस्टमर्स के लिए जो उनके पास जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये एक मीडिया फाइल यहाँ से लूंगी। ये फाइल यहाँ पे आ गई है मेरी। अगर आपके पास ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ रखा हुआ है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ इसे पेस्ट कर दूंगी। तो ये मैसेज भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आते हैं टाइम पोस्ट के ऊपर, मतलब शेड्यूलिंग के ऊपर। अगर हमें नेक्स्ट 2 डेज के लिए कोई शेड्यूलिंग करनी है तो हम यहाँ से शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी ही भेजना है, तो नाउ के ऊपर डन करके वही टाइमिंग लेके मैं 5 to 10 seconds का डिफरेंस ले रही हूँ, ये 5 से 10 seconds का डिफरेंस हो गया। यहाँ से मैं इसे सिंपली शेड्यूल कर दूंगी। मैसेज हमारे जाने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नंबर मेरा यहाँ पे स्कैन करके रखा हुआ था, उसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर हमें रिसीव हो गया है, ये मैसेज देखिए मैं नीट एंड क्लीन ही हमारा पूरा मैसेज जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा मैसेज भी हमें मिल गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हमारे तीनों मैसेजेस जो है वो यहाँ पे सेंड हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे यूज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे ऑटो रिस्पॉन्डर में। ऑटो रिस्पॉन्डर बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि ये जो नंबर स्कैन है, या तो ये अगर आप मान लीजिए आपने 2 नंबर स्कैन किया तो आप अप्लाई टू ऑल कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। देखिए इसको हम अकॉर्डिंगली इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से। यहाँ पे हम इसे इनेबल करेंगे, एक मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे हम, जो मैसेज ऑलरेडी है हमारे पास उसे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी कोई नया नंबर अगर आपको मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली ये जो मैसेज है ये उनके पास चला जाता है, ऑटो रिस्पॉन्डर जिस तरीके से वर्क करता है। इसको हम यहाँ से कर देंगे सबमिट। अब मैं जाती हूँ उस नंबर के ऊपर जो नंबर हमने स्कैन किया हुआ था, अगर मैं सिंपली इसके ऊपर एक हाई भेजती हूँ तो ये देखिए ऑटो रिस्पॉन्डर पे जो मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें रिसीव हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर जो है वो वर्क करता है। तो ये वर्किंग हो गई ऑटो रिस्पॉन्डर की। अब चलते हैं चैटबोर्ड की तरफ, चैटबोर्ड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें जाना होगा चैटबोर्ड में। यहाँ पे देखिए एक जो नंबर स्कैन है वही नंबर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब इसके लिए हमें चैटबोर्ड क्रिएट करना होगा विथ कीवर्ड्स। तो उसके लिए हमें
एड आइटम्स पे जाएंगे, इसको भी हम अकॉर्डिंगली एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसको एक नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ एक चैट वन। कीवर्ड्स में हमें मेंशन करने होंगे वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जो कि अगर आप अपने कस्टमर को कोई मैसेज भेजते हैं और आपका क्लाइंट या कस्टमर अगर वही चीज सेम आपको वापस भेजता है, तो आपने जो भी मैसेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ वन हु, ये दो कीवर्ड मैं यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे मैं हमारी जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है ये पूरी की पूरी कॉपी करूंगी और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, तो ये मेरी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई है, इसे मैं कर दूंगी सबमिट। चैटबॉट काम करे इसके लिए हमें हमारे ऑटो रिस्पॉन्डर को पहले डिसेबल करना होगा। तो ऑटो रिस्पॉन्डर में जाके जो हमने बनाया था उसको हम कर देंगे डिसेबल सबमिट। वापस से जाएंगे चैटबॉट में, इसको हमें स्टेटस को करना होगा ऑन, जिससे कि हमारा चैटबॉट जो है वो वर्क करे। वापस से जाएंगे मैसेजिंग में, एक कैंपेनिंग लगाएंगे सिमिलरली जैसे हमने पहले लगाई थी। हमने मैसेज कर दिया पेस्ट, टाइमिंग सेट कर दी हमने 5 to 10 seconds एंड शेड्यूल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैसेजेस जो हैं वो सेंड हो रहे हैं, एक ऑलरेडी सेंड हो चुका है। मैंने जो नंबर हमारा स्कैन किया हुआ था उसको मैं ओपन करूंगी। ये देखिए मैसेज हमें यहाँ पे मिल गया, वी आर फ्रॉम प्रतीक IIT एंड फॉर मोर डिटेल्स प्रेस 1। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करके एंटर करूंगी तो ये देखिए ये पूरी लिस्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स की कस्टमर को रिसीव हो जाएगी ऑन जस्ट अ क्लिक। इस तरीके से काम करता है चैटबॉट, मैसेजेस भी सेंड हो गए सारे के सारे। इसके बाद आते हैं API की तरफ, API को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो वर्किंग में है या नहीं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे पहले सबसे पहले API को। इसके लिए हम जाएंगे सेंड टेक्स्ट में, या आ गया पोस्ट सेंड टेक्स्ट, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले जो नंबर है, मतलब जिस नंबर के ऊपर हम चेक करना चाहते हैं EPI एक्टिवेटेड है या नहीं, उस नंबर को यहाँ पे पुट करना होगा 91 के साथ। तो ये नंबर मेरे पास अवेलेबल है अभी और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा नंबर। अब हमें सिर्फ एक चीज यहाँ पे चेंज करनी है, वो है इंस्टेंस ID। तो उसके लिए हमें वापस से जाना होगा हमारे पैनल में, हम जाएंगे प्रोफाइल में, इंस्टेंस सिलेक्ट करेंगे। इंस्टेंस ID आपको दिख रही है यहाँ पे और एक्सेस टोकन, ये दो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमें यहाँ से लेनी है इंस्टेंस ID, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ इंस्टेंस ID यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ पे यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे हम पूरा कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे हमारे क्रोम में, न्यू टैब ओपन करके इसे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। सक्सेस लिख के आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स हमारी API जो है वो एक्टिवेटेड है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट मैसेज के नाम से हमें ये रिसीव हो गया, दैट मीन्स हमारी API जो है वो वर्किंग में है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक हम कितनी सारी चीजें कर पा रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के, जो कि लास्ट हमारे क्लाउड पैनल में जो भी बग्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो हमें इस न्यू पैनल में फेस नहीं करनी पड़ रही है। एक्सेसिबल QR कोड है, API प्रॉपर वर्किंग में है, ऑटो रिस्पॉन्डर, चैटबॉट, मैसेजिंग बहुत ही इजी है और ये पैनल आपको हमसे बहुत ही नॉमिनल रेट्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको ओपन सोर्स कोड के साथ भी खरीदना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। इस पैनल से जुड़ी हुई जानकारी के लिए या अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।